मोहब्बत, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मोहब्बत एंड लव? मोहब्बत जो है ना, लव इज अ कॉन्स्ट्रक्ट। अच्छा, अगर मैं आपको कॉन्स्ट्रक्ट बताऊँ ना कि कॉन्स्ट्रक्ट क्या चीज़ होती है, इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन है नहीं है। हाँ, तो हर शख्स की अपनी डेफिनेशन है प्यार की। सो दैट इज़ वाई इट्स अ कॉन्स्ट्रक्ट। इट इज़ शेप बाई देर ओन लाइफ एक्सपीरियंसिस। द डिज़ायर फॉर लव इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन ड्राइव, मोस्ट पावरफुल ड्राइव। नो मैटर हु वी आर, वॉट वी डू, हम ये चाहते हैं कि हमें कोई हंसाए, हमें कोई खुश रखे, हमें कोई समझे। हमारे जो दुख दर्द हैं या खौफ हैं या उदासी के मोमेंट में हमारे उनके साथ रहे। एंड समवन टू मेक अस फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। ये नहीं कि कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म हमें मिलता रहे, हम उसको अब्सॉर्ब करते रहें। प्यार के रिश्ते को या लव के रिश्ते को समझने के लिए एक एक्सप्लोरेशन करनी पड़ती है। हाँ, यू कैनॉट कम्प्लीट दिस एक्सप्लोरेशन विदाउट एक्सप्लोरिंग द प्रोसेस ऑफ लव इटसेल्फ। देखे ना, शुरू में इट हैज़ अ टमल्चुअस ऑनसेट, बट नेवरदलेस इट हैज़ टू गो थ्रू वेरियस स्टेजेस, फ्रॉम द हाइटेंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ रोमांस टू द डेप्थ एंड सिक्योरिटी ऑफ अ मैच्योर कमिटमेंट। कुछ वजूहात हैं कि बेसिक रीजन है वाई मोस्ट पीपल फाइंड लव सो डिफिकल्ट टू अचीव। ऑल्दो हमारी सब की सिंसेयर विशेज होती हैं और रियलिस्टिक गोल्स होती हैं टू स्टार्ट टू लव अदर्स, बट इट इज़ ऑल्सो ड्रिवन बाई आर प्रिमिटिव डीप रूटेड फैंटसीज एंड द वे वी ब्रॉट अप। तो कह रहा हूँ कि अनकॉन्शियस फोर्सेज इम्पॉर्टेंट हैं रादर देन द कॉन्शियस वंस, विच विल शेप आवर नीड टू लव एंड टू बी लव्ड। और इसमें कई रोड ब्लॉक्स आएंगे एज वी मूव फ्रॉम बींग अलोन, यानी कि अकेलेपन से इकट्ठा होना, जिसको सेंस ऑफ वननेस कहते हैं, ये भी एक रास्ता है। और इस पाथ में आगे जाके कमिटमेंट आती है इवेंचुअली। इसमें जो कोई नेगेटिव बातें हैं या सेल्फ डिफीटिंग पैटर्न्स हैं जो हमें पुराने रिश्तों में हमने एक्सपीरियंस किया, या कुछ रिश्ते हम खुद सेबोटाज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग लव और टू मेक अ मैरिज स्ट्रॉन्गर, इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड हु यू आर एज अ पर्सन, द फैंटेसीज दैट यू हैव in the search of love. So it brings us to the next important aspect, the quest of love. Yani ke teen bahut powerful unconscious wishes hoti. So what are these wishes? Secret wishes, yeah. As I call them. Three secret wishes. Ek to hai desire for fusion. Fusion ka matlab hai ke do zindagiyon ka, do shakhsiyaton ka, do individuals ka ikattha hona. Theek hai? दूसरी स्टेज है स्टेज ऑफ वैलिडेशन, यानी कि आपको अगले शख्स से एफर्मेशन मिले, आप एक्सेप्टेड फील करें। और इन दोनों चीज़ों से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ज़िंदगी में रोमांस के थ्रू या इकट्ठे होने के थ्रू, वो दैट इज़ अ सेंस ऑफ अलाइवनेस। तो मैं तो यहाँ कहूँगा कि ये जो प्यार की क्वेस्ट है, it has got nothing to do with sensibility, है ना? हाँ। ये it is so powerful an emotion के sensibility इसमें कई दफ़ा उड़ जाती है। वो इसलिए sensibility उड़ जाती है कि हमारी unconscious expectations, हमारी conscious expectations को overwhelm करती हैं। और ये जो हमारी unconscious expectations हैं, they are embedded in our heads थ्रू प्रिमिटिव डिज़ायर्स। और प्रिमिटिव डिज़ायर्स तो आपको पता है जब से चल रही हैं, जब से इंसान पैदा हुआ, एंड द वे वी बीन पेरेंटेड। और इसमें प्यार के शुरू में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि द प्राइमरी कंसर्न इज़ विद योर ओन सेल्फ एंड योर नीड्स एंड योर ओन सेटिस्फैक्शंस, बिकॉज दीज विशेज आर फ्यूल्ड बाई द नीड टू गेट रादर देन टू गिव, they will eventually bring a clash between yourself and the person that you love. अच्छा, कुछ औरतें शादी करती हैं, उनको लगता है कि यार हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो टिक कर रही है, हम अब एक उम्र के हो गए हैं, बच्चे नहीं पैदा कर सकते। कुछ आदमी ये सोचते हैं कि यार मैं काफ़ी उम्र हो गई, अब मुझे भी सेटल डाउन होना चाहिए। बट समटाइम्स इट हैज नथिंग टू डू विद रोमांस और वॉन्टिंग। सो दीज आर प्राइमरली योर ओन नीड्स विच एक्चुअली डिटर्मिन योर पाथवे
at least to start to seek a partner. अगला सवाल ऐसा भी आप सोच सकती हैं कि विशेज आती कहाँ से? Where does this wishes come from? ये बचपन से शुरू होती हैं, right from infancy as we move to adulthood. तो इन्फेंसी से एडल्टहुड में चलना भी एक पाथवे ऑफ इंडिविजुएशन है. आप इवॉल्व होते हैं फ्रॉम बच्चा, तो एक फरिश्ता है, इट्स अ क्लियर, इट्स अ क्लीन स्लेट. हाँ, तो उसमें जो इंडिविजुएशन आनी है वो या हमारी इन्वायरमेंट से आनी है. हमें जेनेटिक ब्लूप्रिंट तो मिल गया है कि हमें हमारी जीन्स में क्या है. बड़ा होना, छोटे से बड़ा होना तो ऑनगोइंग स्ट्रगल है. ठीक है, इंसानों की जो मोस्टली ज़िंदगी है वो कोपिंग है विद आर इनर एंग्जाइटीज़ एंड कपल्ड विद अ फियरफुल अवॉइडेंस ऑफ द आउटसाइड प्रेशर्स. तो अक्सर जिंदगी इंसानों की ऐसे ही है, एंग्जाइटी से डील करना. तो मोस्ट इंडिविजुअल्स दैट आर फॉर्चुनेट इनफ टू डेवलप अ हेल्दी एंड पॉजिटिव डिज़ायर, और उनको जो उनकी रेयरिंग अगर अच्छी हुई हुई, इन्वायरमेंट अच्छी मिली है और जीन्स अच्छी मिली हैं, so they are more able to greet the challenges and risks of life. ठीक है, as parents this is possibly what we need to teach our children whilst they are growing up. और ये भी देखें कि इंसान की सोच ऑसिलेट करती है between fear and confidence, self doubt and self acceptance. What do you mean by fusion? जब आप अकेला फील करते हैं, sense of loneliness है या sense of incompleteness है, तो आप फ्यूजन डिज़ायर करते हैं विद अ सिग्निफिकेंट अदर. जो भी शख्स आपकी अनकॉन्शियस आइडियलिस्टिक पिक्चर के करीब होता है, आप उसके करीब जाना चाहते हैं. और इसको भी अगर हम बैक ट्रैक करके थोड़ा सा देखें, तो जब बच्चा माँ की वूम में होता है तो वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है. सिम्बायोसिस मीन्स दैट इट इज़ एन इंटरडिपेंडेंट यूनियन. माँ को खुशी हो रही होती है कि बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, वो उसका बच्चे को तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इन्फेंट को या फीटस को. जो ही बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है, ही और शी स्टार्ट्स टू बिकम एन इंडिविजुअल इन इट्स ओन राइट. तो सेपरेशन फ्रॉम आवर मदर्स अंटिल आवर लास्ट ब्रेथ वी आर अलोन. जो जो हम बड़े होते जाते हैं, नार्सिसिस्टिक नीड्स कम होती जाती हैं. लेकिन और ये नार्सिसिस्टिक नीड्स इनिशियली नेचुरल और हेल्दी हैं, और बड़ों में भी ठीक है इफ़ दीज पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं ऑफ सेल्फ लव इज़ इन मॉडरेशन. बट ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हमारी रिश्तों को अफेक्ट करती हैं. आपको अच्छी चीज़ देखते हैं, अच्छी तस्वीर देखते हैं, अच्छी खूबसूरत शक्ल देखते हैं, अच्छी नज़म पढ़ते हैं, तो आपके रिवॉर्ड सेंटर में, दिमाग में डोपामिन रिलीज होती है. तो अच्छा सनराइज देख लिया, अच्छी सीनरी, तो यहाँ डोपामिन जो एक ब्रेन में केमिकल है, कम रिलीज होता है. जब आप प्यार करते हैं तो यही डोपामिन का लेवल इज प्रोड्यूस इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स टाइम्स मोर देन ऑर्डिनरी जस्ट विजुलाइजिंग अ गुड सीनरी. और यहीं डोपामिन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है ये उतना ही पावरफुल है एज अ रिस्पॉन्स टू इलिसिट ड्रग्स और अल्कोहल. ठीक है, तो प्यार और ड्रग एडिक्शन में वो इंसानों की एडिक्शन है, ये प्यार की एडिक्शन है या ड्रग्स की एडिक्शन है, तो इसमें एक कॉमन पैरेलल है. तो फ्यूजन जो है ये एक फैंटेसाइज सॉल्यूशन है टू द फीलिंग्स ऑफ फीलिंग सेल्फ डिफिशिएंट. मुकम्मल इंसान जो है वो कम किसी और इंसान की प्रेजेंस को सीक आउट करता है. हैं तो हम सारे ही नामुकम्मल इन सम वेज और दी अदर, और स्पेशली अगर हमारे पास एक बैकग्राउंड हो ऑफ इनकम्प्लीटनेस का थ्रू आवर पेरेंटिंग, तो ये अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में बैठ जाता है और मर्ज कर जाता है. तो टू एक्चुअली रीच द वंडरफुल सिक्योर स्टेट ऑफ हाउ वी फेल्ट विद आवर मदर्स, इसमें ये फिर इसी की तलाश सारी उम्र चलती रहती है. और कुछ लोग बचपन से जैसे पाले जाते हैं, दे आर फार मोर नीडी एज पीपल, है ना. उनको और लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती, तो वो और लोगों को ज़रूरत में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो इमोशनली डिप्राइव्ड हुए होते हैं. ठीक है, एंड दे ड्रीम अलॉट अबाउट फ्यूजन विद समवन हु कैन गिव देम लव
और वो जो हम अपने लिए प्यार डेवलप नहीं कर सकते हम दूसरों में ढूंढते। How does the individual search for validation? अब देखें फ्यूजन मिल गई। फ्यूजन का जो ड्राइविंग फोर्स है इज द नीड टू बी वैलिडेटेड। वैलिडेटेड का सिंपल मतलब है कि कोई आपको अपने साथ रिश्ते में लेके आता है तो वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देता है, वो आपको एक्सेप्टेंस देता है, आपको प्यार देता है, आपको खुशी देता है। तो ये सारी वैलिडेशन के पीछे ये इमोशंस हैं। तो वैलिडेशन बेसिकली इज़ द नीड टू फील गुड अबाउट आर सेल्व्स, और ये हमारी सेल्फ एस्टीम को इन्हांस करता है, हमारा जो अपने बारे में हम सोचते हैं उसको बेहतर करता है। तो जो तो माँ बाप बच्चों में अटोनमी इनक्रेज करते हैं, सेल्फ रिलायंस इनक्रेज करते हैं और डिपेंडेंस को कम करते हैं, और बच्चे जो कि माँ बाप के अप्रूवल के साथ नहीं जुड़े होते वो ज़्यादा सेहतमंद दिमाग होते हैं। तो वो ये बच्चे फिर एक्सटर्नल प्रूफ को कम सीक आउट करते हैं दुनिया में। तो ये उन्हीं रिश्तों में फिर आगे जाके बनते हैं जो उनको लगता है कि यार ये सिक्योर रिश्ते हैं और हम इनके साथ रिश्ता प्यार का इसलिए नहीं इस्टेब्लिश कर ले कि हम खुद इनसिक्योर हैं, हमारी अपनी इनएडिक्वेसीज हैं, लेकिन हम इनको इसलिए प्यार कर रहे हैं कि हम एडिक्वेट हैं और हम ज़्यादा अपनी शख्सियत को, हम जिंदगी का मोस्ट पावरफुल एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, नॉट बिकॉज दैट वी आर इनएडिक्वेट बट बिकॉज वी आर कम्प्लीट एंड वी आर लुकिंग फॉर फर्दर कम्प्लीशन। तो एक्सटर्नल प्रूफ ऑफ लवेबिलिटी जो है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पावरफुल टूल है वैलिडेशन में। जिन एडल्ट्स में who have not learned to validate themselves hold the strongest potential for becoming love obsessed. वो लगे रहते हैं validation के to a degree के वो रिश्ते में अगले आपको smother कर देते हैं, overwhelm कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा counter productive emotion भी बन जाता है validation, अगर आप बहुत ज़्यादा मांगें अगले शख्स से तो तंग भी आ सकता है। वो तो कहता है यार ये तो obsessive है, इसको तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, ज़िंदगी का कोई और काम नहीं है, इसके लिए तो जो एक वाहिद महवर है ज़िंदगी का वो वैलिडेशन है। वैलिडेशन अगर लिंक्ड है द ड्राइव टू बी वैलिडेटेड इफ़ दैट इज़ लिंक्ड विद आर ओन वर्थ एंड स्टेटस तो फिर ये थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव इमोशन। अच्छा, अब मैं अक्सर पूछता हूँ लोगों से कि सेल्फ वर्थ क्या चीज़ है। आप एक गाड़ी ख़रीदते हैं तो आप उसकी कीमत लगाते हैं कि ये गाड़ी इतनी की है। सेल्फ वर्थ वही है कि जो एक इंसान अपनी ज़ात की, अपने नफ्स की, अपने होने की, अपनी एग्जिस्टेंस की कीमत लगाता है कि एम आई वैल्यूबल, एम आई गुड लुकिंग, एम आई वर्थ वाइल, एम आई लवेबल। तो सेल्फ वर्थ जो है बड़ी एक इट्स अ कॉन्सेप्ट इन इट्स ओन राइट। उन लोगों में जिनमें सेल्फ वर्थ इज़ एडिक्वेट उनके रिश्ते ज़्यादा सेहतमंद होते हैं और वो जनरली वैलिडेशन कम सीक करते हैं क्योंकि उनमें ये फीलिंग्स ऑफ डिफिशेंसी नहीं होती। ठीक है, एंड इफ दे फॉल इन लव दे जेन्युइनली फॉल इन लव। अच्छा, नॉट बिकॉज ऑफ देयर ओन इनएडिक्वेसीज बट व्हाट दे सी इन अदर्स। बट नेवर्थलेस आई थिंक तमाम रिश्तों में डार्क मोमेंट्स होते हैं ऑफ अलोननेस जहाँ हमारी कुछ ना कुछ तो इनसिक्योरिटीज होती हैं, वो हमें जो रिमाइंड करती हैं एज टू हाउ वी ट्रूली फील ourselves, एंड दैट अगेन इज़ अ ड्राइविंग फोर्स टू सीक अदर्स। सो पर्सनल वैलिडेशन सीक करना थ्रू अनदर पर्सन्स लव रियली डज नॉट वर्क। सो नाउ वी कम टू द आई थिंक यू टॉक्ड अबाउट द थर्ड विश विश फॉर अलाइवनेस। ये सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस है। अच्छा, इन एनीबडी हु हैज एक्सपीरियंस्ड लव, एंड आई एम श्योर ईच वन ऑफ अस हैज एक्सपीरियंस्ड लव डिफरेंटली। दुनिया बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत चैलेंजिंग है, तो इंसानों को रिचार्ज करनी है अपनी बैटरीज, और इम्पॉर्टेंट है यू हैव टू फील अलाइव एंड एक्साइटेड अबाउट लाइफ। हाँ, कुछ लोग ये अलाइवनेस थ्रू सेक्स करते हैं, कुछ लोग थ्रू ड्रग्स करते हैं, कुछ लोग स्टिमुलेटेड होते हैं थ्रू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लव। परसूट ऑफ रोमांस मेरे ख्याल में is probably one of the most powerful drivers to create aliveness, and it's a guaranteed source of intense emotion, time honored, tested.
इसमें जैसे मैंने कहा जिन्होंने प्यार सीख किया है और एक्सपीरियंस किया है, इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इनर वेल बीइंग है, ऑलमोस्ट एज इफ यू आर हैविंग अ केमिकल हाई. अच्छा. रिवॉर्ड सेंटर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से स्टिम्युलेट होता है. अलाइवनेस अगेन इज एन एंटीडोट ऑफ फीलिंग ऑफ क्रॉनिक एम्प्टीनेस, और लोग इसको बार बार सीक करते हैं. एक रिश्ते में जहाँ अलाइवनेस ख़त्म हो जाती है, वो एक खूबसूरती और खुशबू की खूबसूरती और नींद का ना आना, रात को तारे गिरना, सीटी मारते रहना, अपना ख्याल रखना, तो वो ये फिर बार बार सीक करते हैं. इट्स लाइक अ ड्रग. सो देन दे फ्लिट फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर कॉन्स्टेंटली. जब एक रिश्ते से बोर हो जाते हैं, वो दूसरे रिश्ते पे चले जाते हैं, इसलिए कि वो अपने आप में ज़िंदा फील करना चाहते हैं, मुकम्मल फील करना चाहते हैं. सो अलाइवनेस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सीकिंग वेयरिंग डिग्रीज ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशंस टू योर इंटरनल प्रॉब्लम्स.